नमस्कार बुलेटिन को आपन को स्वागत करुछ मु स्वागतिका डिसेंबर 31 पूर्व बसिबो विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन एने सूचना देछंती वाचस्पति सूर्य नारायण पात्र विधानसभा विधि अनुसार 60 दिन गृह कार्य चलिबार व्यवस्था रहिछि। तृतीय और चतुर्थ अधिवेशन रे सर्वमोट 20 दिन गृह कार्य चलिछि। डिसेंबर पूर्व आ 40 दिन रो बसिबाको बाकी रहिछि। तबे केबे बसिबो एवं कोन रहिबो रूपरेख से नै राज्यपालक निष्पत्ति को अपेक्षा करा जाइछि। राज्यपाल निष्पत्ति पर 40 दिन कैलेंडर प्रस्तुत करचस्पति ये कोड़े दिन अधिवेशन हो 40 दिन बसार अच्छे तेरे ये 40 दिन अधिवेशन विधानसभा कैलेंडर तैयार कौ दिन बसा मानव राज्यपाल ठीक करेंगे राज्य सरकार ठीक करेंगे बर्तमान सुधा तेज विधानसभा विधि अनुसार 60 दिन गृह कार्य चलिबा कथा किंतु तृतीय और चतुर्थ अधिवेशन में मोट 20 दिन गृह कार्य चलता तेणु डिसेंबर पूर्व आज 40 दिन गृह कार्य बसवाक बाकी रही तेज केबे बसिबो अधिवेशन से नहीं राज्यपाल निष्पत्ति को अपेक्षा कर संपर्क अधिक सूचना देवाक वर्तमान फोन लाइन जोड़ी होती आम प्रतिनिधि अजेश मल्लिक। अजेश वर्ष शेष पूर्व बसिबो विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन कौन पर अपडेट रही आप निश्चित भी देखु जहाँ विधानसभा विधि रही वर्ष को 60 दिन कार्य दिवस विधानसभा चली था जेहेतु दुईट अधिवेशन षोडश विधानसभा तृतीय और चतुर्थ अधिवेशन पाखापाखि 20 कार्य दिवस चली प्रथम तृतीय अधिवेशन 13 दिन चली चतुर्थ अधिवेशन मात्र 7 दिन चली दुईट अधिवेशन 20 दिन चली तेणु आज 40 कार्य दिवस रही तेणु कैलेंडर 40 कैलेंडर दिवस वर्तमान चलने पर बर्तमान जहां रही नियम रही विधि अनुसार डिसेंबर 31 पूर्व आज 40 कैलेंडर दिवस विधानसभा कार्य चलो तेणु से क्रम में आज जहां बाचस्पति सूचना देखते जेहतु केवे बस विधानसभा रूप से कौन रेहतु ता गवर्नर निष्पत्ति निर्भर कै तेणु बर्तमान जी कहीपर इतनी डिसेंबर 31 तारीख पूर्व ही 40 कार्य दिवस बर्तमान बस तेणु केते दिन चलो कोविड कटना दृष्टि बोधे कनसेंट होपे कौन हो पाए परवर्त मुहूर्त में गृह ही बाचस्पति निष्पत्ति ने किंतु केबे बसिबो विधानसभा रूप से कौन रहा राज्यपाल निकट रू निष्पत्ति आसला ही स्पष्ट होतीपर जे डिसेंबर 31 पूर्व ही शीतकालीन अधिवेशन बसिबो आपन देखंतु जेतले मार्च रे जेतले अधिवेशन बसिथला ता मध्य कोविड दृष्टि बंद होता अर्थात कोविड को महामारी घोषणा करने सहित से दिन विधानसभा को बंद कर परवर्त मुहूर्त में आपत देखु जो सेप्टेम्बर 29 तारीख रू सेकेंड अधिवेशन बसिता जो थी मात्र 8 दिन कार्य दिवस या बेले 7 दिन चलवापर गोटे दिन पूर्व संपूर्ण बिल पास होगा बंद होता तेणु आउ रही 40 कार्य दिवस कैलेंडर दिवस रही तेणु यही कैलेंडर दिवस केवे बसिबो बाचस्पति निकट आसला पर ही दिवस प्रस्तुत टोटाल विधानसभा रूप से कौन रहा कोविड स्थित जेहतु लगी रही सेतेबेले कोविड स्थिति कौन थी कि बसिबो संपूर्ण भाव चूड़ांत निष्पत्ति बाचस्पति राज्यपाल निकट रू चूड़ांत निष्पत्ति आसा पर ही विधानसभा पक्ष कैलेंडर दिवस कार्यसूची प्रकाश पाइब निश्चित भाव में केवे अधिवेशन बसिबो से नहीं राज्यपाल निष्पत्ति को अपेक्षा कर धन्यवाद अजेश आपण समस्त सूचना परवर्ती खबर को तीर्तल उपनिर्वाचन आज प्रचार करेंगे बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक हेले ग्राउंड रे नुहे वर्चुअल मोड रे प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री वर्चुअल मोड रे प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजेडी प्रार्थी विजय शंकर दास भोट भिक्षा करेंगे नवीन जहां नहीं उत्साहित बीजेडी प्रार्थी और कर्मी नवीन निवास एलईडी माध्यम से संबोधित करेंगे सरकार विकासमूलक कार्य को आधार कर बीजेडी निर्वाचन रणांगण को ओह्लाई कोविड कटक जो वर्चुअल प्रचार करने को निष्पत्ति नवीन पटनायक
ସେବଡେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପିର ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ସହରରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମିର୍ଜାପକରୀ ଛକରୁ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରି ଗୋପାଳ ଗାଁ ଦେଇ ଚିଡ଼ିଆ ପୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା ପଦଯାତ୍ରା। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯୋଗଦେଇ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଘର ଘର ବୁଲି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। प्रत्येक भाषण में किसी प्रभाव पड़े नहीं, प्रेरणा प्राप्ति ना बीजेपी पूर्ण विश्वास अच्छे जीतवा मंगू भाई बहुत अधिक व्यवधान में जीतवा। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତିନି ଦଳର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ବିଜେଡି ପାଇଁ ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବା ସହିତ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ ଏକ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା, ବନ୍ଦିତା ପରିଡ଼ା, ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିମାଂଶୁ ବେହେରା ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକ୍ରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ୍ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ, ସତ୍ୟ ନାୟକ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ କର୍ମୀ ସମାବେଶରେ ଏବଂ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାଲି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁ ଭାବରେ ବୁଲି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷ ଜମିକି ପାଣି ଅବାରିତ ଭାବରେ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ଚାଷୀକୁଳ ଦୁଇଟା ଫସଲ ପାଇଁ ପାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟ୍ ଖଣ୍ଡିକ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଦେବେ, ଏବଂ ସେ ଭୋଟ୍ ଖଣ୍ଡିକ ଯିବ ଭାରତ ବର୍ଷର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ଭୋଟ୍ ଖଣ୍ଡିକ ହେବ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଯାହା କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ସମୟରେ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ପୋଲ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା କରିଛି ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ହାଇସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ରାସ୍ତା, ଜଳସେଚନ ସବୁ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଠି କିଛି ହେଇନି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ୱାର୍କ ଲିଡରଟେ ପାଇଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ ମଲ୍ଲିକ, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଭଲ ଲୋକ, ଆଦର୍ଶ ଲୋକ, ସହିଷ୍ଣୁ ଲୋକ, ସରଳ ଲୋକ। ଆମେ ସବୁ ଚିହ୍ନକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେବୁ, ହାତ ଚିହ୍ନକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେବୁ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାମାନେ ଆସିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥା କହିବେ, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବେ, ଲୋକ ବିଚାର କରିବେ ବାସ୍ତବରେ କିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଥା କହୁଛି, କିଏ ତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, କିଏ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର କରିଛି। ତିର୍ତ୍ତୋଲ କିଭଳି ରହିଛି ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ। ସୁମନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଭଳି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତିନି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ? ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରଳା ସୂତାକଳଠୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତ ଭୋଟରମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେମାନେ କିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିନି ଟାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିର୍ତ୍ତୋଲ, କାରଣ ରାଜଧାନୀର ସବୁ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାମାନେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ଆସିଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିର ହେଭିୱେଟ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆଗଧାଡ଼ର ନେତା ସେମାନେ ଆସିକି ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମିନି ଟାଉନ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର। ଲୋକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିବୁ, ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀକୂଳର ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିବୁ। ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛୁ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନହଣ ଗାଁ ରହିଛି, ସେଠି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୋଟର ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ। ଯେମିତି ମହିଳାମାନେ, ଯୁବକମାନେ ଭୋଟର, ସେମିତି ଚାଷୀମାନେ ଏଠି ଯେତିକି ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ଏଠି ଏ ବୁଥ୍ରେ 1200 ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ଗୋପାଳପୁର ବୁଥ୍ରେ 1200 ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବଡ଼ ଚାଷୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭୋଟର ଏଠି, ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଭୋଟର। ତେଣୁ ଏହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି, ଚାଷୀକୂଳର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ? ଆମର ସମସ୍ୟା କହିଲେ ତ ବହୁତ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ରାସ୍ତା, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି ଆମର ଚାଷ, ଆଉ ଆମ ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ଏଠି ବହୁତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମେତ ଆସି ଡେରା ପକାନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଯିବ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅଛୁ ଆଉ ସେମିତି ରହିଯାଉ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଜମି ରହିଛି, କେତେ ଜମି ଚାଷ କରନ୍ତି, ଚାଷ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ? ଚାଷ ଆମର ଅଛି 4-5 ଏକର ଜମି, ଚାଷ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଇ ଯେ ଆମର ମରୁଡ଼ିରେ ନାଳ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ଆଉ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେଲେ ବୁଡ଼ିକିରି ରାସ୍ତାଘାଟ ବୁଡ଼ିକିରି ଚାଷ ଜମି ସବୁ ଧୋଇଯାଉଛି। ତଳି ପକାଇଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳି ଧାନ କିଆରୀରେ ତଳି ରହିଛି, ରୁଆ ହେଇପାରୁନି।
যে কোটি অসুবিধা রয়েছে রুয়া হয়ে পড়ুনি কারণ যেতবে আপনার লোক নেতা ভেটুছেন কিছু কোন সলুশন বাহু নি দেখুন আম জমি উপরে পুরৈতপুর ঠারু গোটে সফেই অছি যে কি হংসুয়া সংযোগ করছি সেটা বিলকুল কাম হো নাই হঠাৎ বর্ষা হওয়া দ্বারা পানি আসি আম জমি উপরে জমা হয়ে যাচ্ছি কিন্তু এথিপাই বিল সফেই কি হংসুয়া পর্যন্ত ভাল রূপে সফা করা গেলে আমি উপকৃত হবু আচ্ছা মশাই কোন কইবে আপন আউ আউ কোন সমস্যা আছে রাস্তা সমস্যা আছে যে কি 25-30 বর্ষ রানি বিলকুল মুঠা মোরম যদি পড়ছি সে সমুদ্রকে সংখে ভলিয়া বিল লক্ষ লক্ষ টাকা করে চাল যাওয়া যেতে টাকার স্যাংশন হয়ে কি বেগুনিয়া যায় মোরম পড়ছি সেতিক পয়সার কংক্রিট হয়ে থাকা কিন্তু সব কিন্তু বড় ভোটর চাষী মানে যেত আপন মানে অনেক কথা হচ্ছে যে নেতা আপনি নির্বাচিত করবে নেতা ভোট দেবে কিন্তু ভোট বর্জন নিষ্পত্তি আপনার মানে এটি নিয়েছেন ইয়া কোনো সলুশন হব হ্যাঁ ভোট বর্জন নেবার কারণ হচ্ছে কোণ রাতে বিকাল যদি ছোট পিলা গোটে কি ঝাড়া বাঙ্কি হল আর উপায় নাই আমি কাঁধে বসাই গলে সি পড়ুছে আমি পড়ুছু মেডিকাল যাইপারু এই যে কেনাল অবস্থা তারপর আম্বুলান্স সি আসিপারিব তার বি জীবন সমস্যা ইয়ে গোটি তারপরে চাষবাস যেটা করছু যেত জমি আমার শুখি থাক ফাটি থব বাপা আপনার দেখবে সেতু তোমায় পানি নথব যে বর্ষা দুর্দুর হব উপরওয়ালা ছাড় দেবে তলুক ছাড় দিও সে পানি আমার বুড়ি বন্যা হব এই আমার কথা এর ভিতরে অনেক নেতা আসুচার পোলা পোলা স্বপ্ন দেখছেন আপনার বর্তমান সেমানে কেন সবু সমস্যা সর্ট আউট হয়ে কেবে হবনি সেমানে যদি আন্তরিক ভাবে কিছু করতে হুয়া এইটা হচ্ছে এক উপান্ত অঞ্চল পানি পাইবা আমার বিলম্ব এবং ঘর আমার মানে সমস্যা হচ্ছে মেনলি শিক্ষা সমস্যা গমনাগমন সমস্যা এবং আমার বেপার বাণিজ্য সমস্যা ইয়ে তিনিটাক সমস্যার সমাধান হচ্ছে আমার কেনাল বন্ধ মৌস আপনার বোধহয় 70 বয়স ক্রস করিগাল আপনার তো বহু নেতা ভেটিছেন বহু নেতা জাঁচান এবং অনেক নেতা আপনি নির্বাচিত করেছেন এর ভিতরে উপনির্বাচন হচ্ছে আপনার অনুভূতি কোণ কুচি অনুভূতি কোণ সব নেতা তো এমনি কে যাচ্ছেন দেখলা বেড়ে ইলেকশন পরে আর কিছু না সব সমস্যা সামনাকু আসে এবং সেই সমস্যার সমাধান যে প্রার্থী মানে রয়েছেন মাল মাল প্রতিশ্রুতি দিকে কিন্তু নির্বাচন জিতবা পরে সবু ভুলে যাতে অনেক সমস্যা রয়েছে যেমন লোক প্রতিক্রিয়া ভোটর মান প্রতিক্রিয়া সামনাকু আসুচি শিক্ষা স্বাস্থ্য গমনাগমন অনেক গুড়ে সমস্যা রয়েছে কিন্তু বর্তমান সুদ্ধা দুঃখর বিষয় কি সমাধান হয়ে পারে না ধন্যবাদ সুমন্ত আপনার সমস্ত সূচনা বিহার বিধানসভার প্রথম পর্যায় মতদান জারি রয়েছে সমস্ত সময় সহ ধীরে ধীরে পোলিং বুথে বড়া ভোটর মানকর সংখ্যা আজ 16টি জেলার 71টি আসন হচ্ছে নির্বাচন 71 আসন 35টি আসন নকশল প্রভাবিত অঞ্চলের হয়েছিল সুরক্ষা ব্যবস্থাকে পুরাপুরি কড়াকড়ি করা কোভিড নিয়মকে পালন করে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত চলিব মতদান প্রক্রিয়া তবে 4টি নকশল প্রভাবিত অঞ্চলের মধ্যাহ্ন 3টা যায় 26টি অপরাহ্ন 4টা যায় এবং অন্য 5টি সন্ধ্যা 5টা পর্যন্ত ভোটিং হব পোলিং বুথে ভোটর স্যানিটাইজার সহ মাস্ক ব্যবস্থা করা এসে সামাজিক দূরতা উপরে ধ্যান দিয়েছে প্রথম পর্যায়ে ময়দানে অনেক 1066 জন প্রার্থী সেমধ্যে 952 জন পুরুষ থাকলে 114 জন মহিলা অনেক 71 আসন আরজেডি সর্বাধিক 42 জেডিউর 35 বিজেপি 29 কংগ্রেসের 21 এলজেপি 41 জন প্রার্থী অনেক এনডিএ সহযোগী জিতনরাম বাঞ্ঝি হিন্দুস্তান আওয়ামী মোর্চা 6টি আসনের প্রার্থী দিয়েছে বাম দলর 8 জন প্রথম পর্যায়ে নির্বাচন লড়ুচ্ছেন জেডিউ লড়ুয়া 35টি যাক আসনের প্রার্থী দিয়েছে এলজেপি 31,380 বুথে ভোট নিয়েছে প্রথম পর্যায়ে প্রায় 2,15,00,000 ভোটর সে মতাধিকার সাব্যস্ত করছেন বিহার বিধানসভা নির্বাচনকে নেই মহিলা ভোটরক মধ্যে বেশ উৎসাহ দেখা মিলছে নিজ সাংসাথী সহ পোলিং বুথে পৌঁছি মতদান করেছেন মহিলা কিভাবে রয়েছে সেঠাকার পরিবেশ সে নেই তাঁর অধিক আলোচনা করেছেন আমার প্রতিনিধি অমৃত রাজ लोकतंत्र के इस महापर्व में एक सुनहरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं अभी हम हैं औरंगाबाद के मदनपुर थाना का जुड़ा ही गांव है ये और इस गांव में जो महिलाएं यहां पे जो जुटी हैं उसकी एक तस्वीर ज़रा हम आपको दिखा रहे हैं ये ज़रा देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में यहां पे महिलाएं हैं और अपने बारी का इंतज़ार कर रही हैं सारे जो लोग हैं वो यहां पे दूर दूर से लोग आए हुए हैं आपको एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काफ़ी दूर से ऑटो कर करके
जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे पहुँच रही हैं, तो अपना भाड़ा लगा करके और कई किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे महिलाएं पहुँची हैं। और ये एक अच्छी, कितनी दूर से आ रही हैं आप? जुड़ाही से। ऑटो से आई हैं? जुड़ाही से नहीं सर, पैदले आए हैं। उतना किलोमीटर, 5 किलोमीटर पैदल चल के आए सर? पैदले आ रहे हैं वोट देने के लिए। हाँ, वोट देने आए हैं। जरूरी है वोट देना? कितना जरूरी है? जरूरी नहीं है तो मिला है तो वोट देना जरूरी नहीं है। जरूरी है वोट देने से? क्या लगता है आपकी सुविधाएं जरूरतें सब पूरी होंगी? तो ऐसी आ गए हैं। आप कहाँ से आ रही हैं? जुड़ाही से। तो देखिए सारी जो महिलाएं हैं वो कई किलोमीटर यहाँ से चल करके आ रही हैं। अब जिनका लंबी कतार है, जो लोग इंतजार है, तेज धूप है बावजूद यहाँ पे बैठी हुई हैं और अपने बारी का इंतजार कर रही है। और ग्रामीण परिवेश में ये तस्वीर बड़ी सुनहरी है। यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे अगर सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करेंगे तो वो थोड़ी सी मुश्किल जरूर होगी, ग्रामीण इलाका है, लेकिन मत देने के लिए इतने बड़े संख्या में लोगों का जुटना एक अच्छी तस्वीर कही जा सकती है। और जो लोग हैं, माता जी क्या सोच के वोट दे रही हैं? कुछ सोच रही, हम पागल बोल रहे हैं। क्या चाहिए? कुछ ले कुछ दे था थी है ना, क्या चाहिए वोट देने के लिए? क्या क्या सोच रहे हैं कि क्या सुरक्षा, क्या क्या चाहिए, क्या चाह रहे हैं, क्या मुद्दा क्या है, क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि वो खड़े हैं कुछ के लोग भी है ना, ये लोग भी हम नहीं वोट दे रहे हैं कि कुछ भी हो, घर द्वार कुछ भी देंगे, कॉलोनी उलनी आपका के लिए वोट दे रहे हैं, इसी चलते ना दे रहे हैं। कह लग रहा उदान छोटे बच्चे को लेकर के भी आप लाइन में खड़ी हैं? इतना छोटा बच्चा को लेकर के घर से कहाँ से आई हैं? बादम से। कहाँ का ना बादम से? बादम से ना बोल। क्या कर रहे, क्या सोच के वोट दे रही है? बहुत सोच के दे थी कि लकड़ी पता ही कारा ही आए, तब बड़का आदमी हो जीती है, कोई जीतता थी ना सेला। और कुछ कही बा? देखिए ये ग्रामीण महिलाएं हैं और ग्रामीण महिलाएं अपने अंदाज में आपको नजर आएंगी। और यहाँ पे ये जरा सोचिए कि छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में लिए हुए हैं, लेकिन मतदान में घंटों से यहाँ पे खड़ी है। तो ये एक अच्छी तस्वीर कह सकते हैं, लोकतंत्र ऐसे ही सफल है। और औरंगाबाद में खास करके जिस ढंग से मतदान का प्रतिशत कम रहा है उसको लगातार बढ़ाने की अपील है। और न्यूज 18 की भी अपील लोगों से ज्यादा संख्या में बाहर निकले और अपना मतदान करें। कैमरा पर्सन राजू के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 रफीगंज। सबड़े द्वितीय पर्याय निर्वाचन पर प्रचार जोरदार होइछि। दरभंगा रे एनडीए पर प्रचार करिछन्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। 15 वर्ष भितर बिहार विकास कम आगे चलिछि। आउ एथर भी भोटर नीतीश कुमार नेतृत्व में एनडीए को विजय करैबाको आह्वान देछन्ति प्रधानमंत्री। बिहार रे कोरोना को रोकिबारे सफल होइथिबा कहिछन्ति प्रधानमंत्री। आत्मनिर्भर बिहार दिगरे तांका सरकार काम करिवो बोली मोदी कहिछन्ति। भाजपा की पहचान है, एनडीए की पहचान है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देश में पहली बार ये हुआ है जब मैनिफेस्टो को उठाकर ये आकलन लगाया जा रहा है कि अब आगे कौन सा कदम सरकार उठाने वाली है। हमने कहा था हर किसान के बैंक खाते में सीधी मदद भेजेंगे। आज करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की सीधी मदद किसान के खाते में जमा कराई जा चुकी है। हमने कहा था हम गरीब का बैंक खाता खोलेंगे। आज 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों का बैंक खाता खुल चुका है। हमने कहा था हर गरीब बहन बेटी की रसोई में। जम्मू कश्मीर सुरक्षाकर्मी को बड़ा सफलता। सुरक्षाकर्मी गुड़ी में 2 आतंकवादी मृत्यु होता सूचना मिली। बड़गावर चाड़ुराई माछरे एक एनकाउंटर होता जमापड़ मृत आतंकवादी परिचय जमापड़ा। विश्वस्त सूत्र खबर पाई अंचल ऑपरेशन करते जवान। एनकाउंटर में 2 आतंकवादी गोली करिबार सफल होती जवान। स्थानीय अंचल सर्च ऑपरेशन जारी रही।
देशरे दिनकर 43,893 पॉजिटिव चिन्हट होती 24 घंटे आखे बुझिंट आउ 508 आक्रांत एथसत संक्रमित संख्या 79,90,323 को वृद्धि होता बेले मृत्यु संख्या 1,20,000 टपिचे मोट पॉजिटिव्रु 90% अधिक सुस्थ होता बेले 610,803 चिकित्साधीन अच्छा देशर दैनिक संक्रमित संख्यार प्राय 50% 5 राज्य बाहर महाराष्ट्र और केरल स्थित सुधुरुता बेले चिंता बर्तमान बढ़ाई दिल्ली और पश्चिमबंग महाराष्ट्र और केरल प्रतिदिन बाहर पॉजिटिव संख्या 6,000 तले रहता बेले दिल्ली और केरल द्वितीय लहरी वर्तमान चिंतार विषय हो दिल्ली और केरल लगातार भाव में 4,000 अधिक आक्रांत चिन्हट होते दुई दिन पर राज्य में पुणि 1500 टपिला दैनिक संक्रमित संख्या आज राज्य 1540 नुआ कोरोना पॉजिटिव बाहरी एथरोधर 886 स्थानीय अंचल 654 आक्रांत सामनाकु आसी खोर्धार सर्वाधिक 208 नुआ आक्रांत चिन्हट होता बेले सुंदरगढ़ 111 अनुगुल 100 कटकु 99 पॉजिटिव चिन्हट होती बालेश्वर 92 मयूरभंज 91 जगत सिंहपुर 78 बलांगीर 67 केन्द्रापड़ 62 बरगड़ 41 नुआपड़ 51 पॉजिटिव मामला सामना आसत राज्य में मोट पॉजिटिव संख्या 285,482 पहुंचा बेले 268,115 जन सुस्थ होते एवं 16,030 आक्रांत चिकित्साधीन अच्छा 24 घंटे आउ 12 जनकर जीव दे किलर भाइरस एथिमध्यरु नुआपड़ा खोर्धा झारसुगुड़ 2 जन लेखाएं प्राण हर बेले सुंदरगढ़ संबलपुर पुरी नवरंगपुर कटक और गंजामु जड़े जड़े आखे बुझुंट एथसत राज्य में कोरोना मृत्यु संख्या 1284 पहुंची गंजाम जिले में पुणि बढ़ी पारे कोरोना संक्रमण कोरोना भाइरस द्वितीय प्रवाह आरंभ होगा नहीं सृष्टि आशंका एवं जिले में दैनिक पॉजिटिव संख्या 50 तौक रोते सहरांचल आक्रांत संख्या बढ़िवे लगी आखिआगे रखी सतर्क हो जिला प्रशासन निष्पत्ति आउ कि दिन भितर ब्रह्मपुर पुणि आरंभ हो घर घर स्वास्थ्य जांच एएनएम आशा अंगनवाड़ी दीदी घर घर बुली थर्माल स्क्रीनिंग करिबे एथिसहित लोकों घर कांथरे कोविड निराकरण संपर्कित सचेतनतार पोस्टर मराजिबो कोरोनारु दूरे रहिबाको मास्क पिंधिबा सहित सामाजिक दूरता नियम पालन करिबाको परामर्श देइछंती बीएमसी कमिश्नर तबे लोकमाने बेपरुआ होइ बुलाचला कले दुकान बजार नियम पालन करा नगले स्थिति पुणि लेउटिबो बोली आशंका करा जाउछि जेहेतु जस्ट आम जस्ट आम गोटे बड़ सर्वे हाउस टू हाउस सर्वे सारी देपर भी आम जिला कलेक्टर सर संगे आलोचना होता तो ये आउ थे डिसाइड हो जाए कि प्रति घर को पोस्ट कार्ड साइज गोटे गोटे स्टिकर लगे कि प्रति घर आउ थे स्क्रीनिंग हम ऑल दि मेंबर्स समस्त सब मेम्बर्स स्क्रीनिंग हम एवं सेठी पोस्ट कार्ड साइज गोटे स्टिकर लगे कि ये घर एत एत मेम्बर स्क्रीनिंग हो तो आगामी दिन में आउ थे केमी इनफेक्शन को रखा हाँ बढ़ तो ये सेमती किसी एक्जाक्ट आम मीन फिगर्स देखनी बट स्टिल जेहेतु एवं उत्सव वगैरह सब हो जाए तो जब आम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो न करिबा मास्क व्यवहार न करिबा तो यहाँ बढ़ लोक मैंने बर्तमान फ्री होगा भावन जो कोरोना किसी ना बोले फ्री होगा दुकान पत्र सब खोला खोल मन इच्छा लोक मैंने मास्क पिंधु ना कि डिस्टेंस मेंटेन करना तद्वारा कौन हम जो रोगटा आरोना कोरोना आहरी जाए आम पाखर कोरोनार भयावहता शीत ऋतु जगह भयावहता अधिक हम बोली बहुत लोक सरकार समस्ते कही चलते आगामी दिन में भयावहता धीरे धीरे बढ़िया लगी सरकार उपर पदक्षेप ने उचित एवं मत जो स्कैनिंग करें जो कार्ड लगे आ स्कैनिंग करते जन रिपोर्ट के जन देह खराब अच्छी भल अच्छे जो जिन जो कर भल पदक्षेप मात्र लोके प्रति सचेतनता हेबाक पड़ो ओडिशा संपूर्ण भाव फेरीगला मौसुमी ए संपर्क में सूचना देती भारतीय पाणीपाग विभाग राज्यर बलका जिलागुड़िकर दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रत्यावर्तन करतीपाई राज्यर कौन से प्रांत में वर्षार संभावना ना दुई दिन तले 8 जिलूर संपूर्ण और 8 जिलूर आंशिक विदाय नहीं मौसुमी आज ओडिशा सहित समग्र देशर मौसुमी विदाय नहीं जमापड़
समस्त होती बुलेटिन को वेट रखा अधिकर पर लगन करूँ news18odia.com आम फेसबुक पेज slash news18odia ट्विटर हैंडल @news18odia यूट्यूब चैनल slash news18odia नमस्कार।